रो रहे हैं अपने दुख के कारण, रो रहे हैं कि उसका बेटा बीमार है, दोनों किडनी डैमेज है, वो माँ क्या करेगी, हर तरह से दौड़ भाग के फंस चुके हैं। उम्मीद है कि तेजस्वी यादव आपकी मदद करेंगे। देखिए मदद करेंगे, हमारे मुख्यमंत्री वही है, बहुत विश्वास और उम्मीद से आए हैं इनके पास। एक माँ जब अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने तिल तिल कर मरता हुआ देख रही हो तो समझिए उस माँ पर क्या गुजरती होगी। एक ऐसी ही माँ आज फरियादी बन करके सिस्टम से हार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के दरबार पर पहुंची। माँ ने कहा कि उसके बेटे की दोनों किडनी जो है वो फेल हो गई है, डॉक्टर ने इलाज के लिए पैसे मांगे हैं जो उनके पास है नहीं, सरकार अधिकारियों के चक्कर लगाते लगाते वो थक करके परेशान हो गई है, ऐसे में इंसाफ की आस लेकर के वो तेजस्वी यादव के पास पहुंची। तेजस्वी यादव के पास पहुंचने के बाद उस माँ ने किस तरीके से अपने दर्द को बयां किया, देखिए इस वीडियो में। रो रहे हैं अपने दुख के कारण, रो रहे हैं इसका बेटा बीमार है, दोनों किडनी डैमेज है, वो माँ क्या करेगी, हर तरह से दौड़ भाग के फंस चुके हैं। कितने साल का बेटा है? 16 साल का। कहाँ के रहने वाली हैं आप? बस्तर जिला सिंधी दूधी पट्टी। बेटे का किडनी दोनों खराब है जी, मेरा बेटा है करण कुमार, बोले हैं कि राहत कोष से मुख्यमंत्री द्वारा मदद किया जाएगा, डॉक्टर के पास गए थे कि हमको ट्रांसप्लांट कराना है, तो अभी फिलहाल अब फिर कल जाएंगे, कहेंगे कि हमको सर ऐसा बोले हैं, नंबर दिए हैं बात करने के लिए, हम लोग सुबह से बैठे हुए हैं यहाँ आके सर से मिलने के लिए। तो तेजस्वी यादव ने एक नंबर दिया है, आप कहा है कि उनसे बात करने के लिए। मेरा बेटा अंदर है, आएगा तो क्या करते हैं वो जिनका तबीयत खराब है? नहीं, मेरा बड़ा लड़का। बड़ा लड़का, हम महादलित से हैं, मेरा पति मजदूरी करते हैं, और मेरा बच्चा लोग इधर उधर भटक रहे हैं, मेरा बीमारी नहीं सारा एक ही हो गया, भगवान न करे किसी को ऐसा बीमारी हो। तो बक्सर में कौन से गाँव की रहने वाली है? और इलाज कहाँ चल रहा है बेटे का? और जगह से करवा चुके हैं, हर खार कर यहाँ IGMS में करवा रही है, यहाँ से हम यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है, इधर उधर दौड़ना पड़ता है, जल्दी से इमरजेंसी में लेते भी नहीं है लोग। अभी मेरा घर में बेटा है, उसको कल डायलिसिस होना है, अब मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, किसी तरह आए हैं हम लोग वहाँ से पैदल जगह उपस्थित, पैर से चलते फिरते थोड़ी के कारण मेरा पैर अकड़ गया है, दर्द हो गया है। उम्मीद है कि तेजस्वी यादव आपकी मदद करेंगे। देखिए मदद करेंगे, हमारे मुख्यमंत्री वही है, बहुत विश्वास और उम्मीद से आए हैं इनके पास कि हमको कुछ अनुदान मिलेगा, कुछ हमको ऐसी होगा, मेरा बेटा को सांस लेने में प्रॉब्लम है, मतलब बहुत तरह का प्रॉब्लम है, वो आने में असमर्थ, हम उसको लेके नहीं आ सकते इतना ठंड में, वहाँ जाते हैं तो बोलता है लुकी डायरेक्टर के पास फ़ोन करवाइए। ये आप इनके बड़े बेटे हैं, आपके एक छोटे भाई बीमार हैं, ये हाथ में क्या है आपके? प्रोत्साहन राशि के लिए आए। तो तेजस्वी यादव से मिले हैं आप लोग, क्या कहा है तेजस्वी यादव ने? बोले भैया कि हो जाएगा, टेंशन मतलब फिकर नहीं करिए, IGMS जाके वहाँ से लेकर आइए, क्या बोलते हैं एस्टिमेट मनीष मंडल जी से मिल के वहाँ से एस्टिमेट लेके आने के लिए, फिर यहाँ से कर दिया जाएगा CM ऑफिस के पास, वहाँ से आपको प्रोत्साहन राशि 15 दिन में मिल जाएगा। एक बड़ी राहत की बात है, तेजस्वी यादव ने मतलब एक तरह से भरोसा दिया है कि एस्टिमेट लेके आइए, आपको जितना पैसा चाहिए हमको उसका आधा भी मिल जाएगा तो हमको बहुत है। मेरा बेटा को किडनी देना है, हम देंगे किडनी अपने बेटे को, हमको फ्री में इलाज चाहिए वहाँ पे IGMS में, हम महादलित परिवार से हैं, मेस्टर जाति की हूँ, मेरा बेटा पढ़ के सेकेंड ईयर इधर उधर। क्या नाम क्या हुआ, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 12th में पढ़ कर लिए हैं। उम्मीद है तेजस्वी यादव कर लेंगे आप लोगों का मदद।
मेरा सोचता आपसे मिलने के लिए हमारे अदर कास्ट भोज हुए थे उनको 30 तारीख को पूर्व विधायक रह चुका है बोले हैं सर बोले नंबर हो गया सातवां पास सर बताइए आंगनबाड़ी के सेविका है हमारा पुत्र सर बीए पास है घास काटता है तीन समझ हां आइए इधर आगे इधर सुन रहा तेरा फोटो ले रखवा फोटो ले रखवा यानी आई तो हट को भी आओ फोटो ले चलो।